कल रामनवमी का दिन है और क्यों मनाई जाती है रामनवमी? भगवान राम का अपीयरेंस डे है, भगवान राम अपीयर हुए थे कल के दिन। और क्यों आना पड़ा भगवान को? भगवान आते हैं हर युग में, हम सब जानते हैं। और भगवान भगवद्गीता में कहते ही हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना धार्य संभवामि युगे युगे, कि मैं दुष्टों का विनाश करने और भक्तों की रक्षा करने, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो भगवान राम किस लिए आए? मुख्य तौर से तीन कारण कहे जाते हैं भगवान राम के आने के। वो क्या है? एक तो प्रोटेक्शन, दूसरा अफेक्शन और तीसरा करेक्शन, है ना? ये तीन मुख्य कारण है कि भगवान जब आते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रोटेक्शन। भगवान राम आते हैं तो भक्तों की प्रोटेक्शन करने के लिए, रक्षा करने के लिए, और देवी देवताओं की भी इवन रक्षा करने के लिए। सारे भक्त जो कि रावण की त्रासदी में थे, इवन देवी देवता भी रावण की त्रासदी में थे, तो उनकी भी प्रोटेक्शन के लिए भगवान राम आए। कहते हैं इंद्र जो है वो रावण के राज्य में सब्जी काटते थे, इंद्रदेव जो हैं वो सब्जी काटते थे, और वायु जो है वो घोड़ों को धोते थे। इतनी मतलब देवी देवताओं के ऊपर भी इतनी त्रासदी थी। इंद्र सब्जी काटते थे और वायु घोड़ों को धोते थे, अग्नि देव झाड़ू पोछा लगाते थे, और शनि देव का तो हम जानते ही हैं कि रावण जो है अपने पैरों के नीचे, उल्टे शनि को अपने पैरों के नीचे रखते थे। मतलब शनि का ही शक्ल नहीं देखते थे वो, उनका फेस नहीं देखते थे, उल्टा उनको करके अपने पैरों के नीचे रखते थे। तो इस तरीके से उन्होंने देवी देवताओं को ऊपर त्रासदी कर रखी थी। तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। और दूसरा कारण है करेक्शन, करेक्ट करने के लिए। कहते हैं कि जो रंगनाथ जी की सेवा है वो इक्ष्वाकु वंश में होती थी। इक्ष्वाकु वंश में रंगनाथ जी की सेवा, रंगनाथ जी जो त्रिची में रंग जी का मंदिर है, वो रंगनाथ जी, वो इक्ष्वाकु वंश से उनकी सेवा होती थी। लेकिन उस सेवा में सही तरीके से नहीं हुई, तो फिर भगवान राम ने इक्ष्वाकु वंश में वो प्रकट हुए ताकि रंग जी की सेवा वो फिर से शुरू करा सके। तो उस सेवा को करेक्ट करने के लिए भगवान राम, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वो प्रकट हुए। और तीसरा रीज़न था अफेक्शन। ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान प्रेम देने के लिए भी आते हैं। ऋषि मुनि जो कई जन्मों से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भगवान आएंगे आएंगे, उन ऋषि मुनियों के साथ अफेक्शन। और लक्ष्मी जी जो कि भगवान के साथ हमेशा भगवान को ये कंप्लेन करती हैं कि आप हमेशा भक्तों के बारे में सोचते रहते हो, भक्तों के साथ रहते हो और मेरे साथ समय नहीं डिवोट करते हो। तो भगवान राम ने सोचा कि चलो भगवान, मैं राम अवतार में आऊँगा और 14 वर्ष का वनवास लेके सीता मैया के साथ पूरा 14 वर्ष का समय बिताऊँगा। तो ये एक छोटे छोटे, ये भी एक बीच में रीजंस हैं, कारण हैं जिससे भगवान राम प्रकट हुए। और मुख्य और हम कह सकते हैं कि जब हमारे चार स्तंभ जो होते हैं, धर्म के चार स्तंभ हैं, सब जानते हैं धर्म के चार स्तंभ कौन कौन से? सत्यता, दया, पवित्रता और चौथा शुचि, है ना? पवित्र, सत्यता, दया, तपस्या और पवित्रता। तपस्या और पवित्रता, ये चार धर्म के स्तंभ हैं। तो सत्यता क्या है? सत्यता का स्तंभ यानी कि किसी को हम धोखा देना, झूठ बोलना, ये सत्यता का स्तंभ गिरता है। यानी कि जुआ खेलने से जो हमारा चार नियम बने हुए हैं, जुआ खेलते हैं तो उससे हमारा, क्यों जुआ खेलेंगे तो कभी भी हम सच नहीं बोलेंगे, धोखा भी देंगे, झूठ भी बोलेंगे, तो जुआ खेलने से ये स्तंभ गिरता है। तो सत्यता का स्तंभ हमारा एक जो नियम है, जुआ नहीं खेलना, वो उससे गिरता है। और दूसरा क्या है? दया। तो जो हमारा नियम है मांसाहार का, उससे हमारा दया का स्तंभ गिरता है। तीसरा है तपस्या, है ना? तो जो हमारा नियम है नशा
नहीं करना। तो अगर नशा करेंगे तो हम तपस्या नहीं कर पाएंगे, शराब पिएंगे और जो भी करेंगे, तो उससे क्या है, हम सुबह तपस्या क्या करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, भजन करते हैं, तो उससे हम वो सब नहीं कर पाएंगे। तो नशा करने से हमारा तपस्या का स्तंभ गिरता है। और चौथा है पवित्रता, जो कि अवैध स्त्री संबंध करने, स्त्री पुरुष संबंध करने से हमारा पवित्रता का स्तंभ गिरता है। तो रावण जो था ये इन चारों स्तंभों को तोड़ता था। रावण क्या था, इन चारों स्तंभों को तोड़ता था। दया भी नहीं थी, पवित्रता भी नहीं थी, सत्यता भी नहीं थी, और अवैध स्त्री संबंध तो मतलब पवित्रता भी नहीं थी, तपस्या, दया और सत्यता, ये चारों स्तंभों को तोड़ता था। तो ऐसे चारों स्तंभों को तोड़ने की भी कई हम शास्त्रों में उनकी स्टोरीज पढ़ सकते हैं कि एक वेदवती जी थी, जो कि भगवान, उनकी बड़ी इच्छा थी कि भगवान विष्णु से उनका विवाह हो। तो वो तपस्या करने लगी कि मुझे मेरा विवाह भगवान विष्णु से हो। तपस्या कर रही थी तो ब्राह्मण जो है वो पुष्पक विमान लेकर वो ऊपर सैर कर रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रावण पुष्पक विमान लेके सैर कर रहे हैं, लेकिन एक जगह पे क्या हुआ, गरम गरम हवा आने लगी। तो बड़े हैरान हुए कि इतनी ठंडी हवा चल रही है, मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ, पुष्पक विमान में हूँ, लेकिन नीचे से हीट आ रही है। तो देखा वेदवती जी जो थे हैं वो नीचे तपस्या कर रही हैं, एक स्त्री जो है वो नीचे तपस्या कर रही है। तो रावण नीचे उतर आए और उस वेदवती को देख के कहने लगे कि वो बहुत सुंदर थी, कि मैं आपका भोग करना चाहता हूँ। तो वेदवती ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो रावण ने जबरदस्ती उनको बालों से खींच लिया। तो बालों से खींचा तो वेदवती जी को, जैसे ही बाल से खींचा तो वेदवती जी, वो जो हैं वो एक तिनका पड़ा था पास में, उस तिनके से रावण वहाँ एक लाइन लगा दी। तो उस लाइन के उस पार जो बाल थे वो रावण के हाथ में आ गए और इधर वेदवती रह गई। तो जो उधर रावण के पास बाल गए और इधर वेदवती रह गई, तो लेकिन वेदवती के मन में ये आया कि मैं तो भगवान विष्णु की तपस्या कर रही थी, उनसे विवाह करने के लिए मैंने तो अपने आप को भगवान विष्णु को सौंप रखा था, तो अब मेरे को रावण ने टच कर लिया तो मेरा शरीर जो है वो अपवित्र हो गया। तो उसने अपने, तब तो वो कर ही नहीं थी, तब के बल पर वहीं अग्नि प्रज्वलित की और वहीं का वहीं अपना शरीर त्याग कर दिया। तो इस तरीके से रावण ने इसमें तपस्या के स्तंभ को भंग किया। एक तो तपस्या वो जो वेदवती कर रही थी उसकी तपस्या को भंग किया, और दूसरी तपस्या क्या, रावण ने अपनी तपस्या को भी भंग किया। मीन्स अपनी तपस्या क्या है, उसको जो एक तरह से अहंकार था, है ना, अहंकार था, किसका अहंकार था, अपने ऐश्वर्य का, अपने धन का, अपने सौंदर्य का, अपने राजपाट का, एक तरह से उस अहंकार को उन्होंने भंग किया। तो इस तरीके से जैसे वेदवती ने सोचा कि हमारा शरीर जो है, मेरा शरीर जो है वो भगवान की संपत्ति है, ऐसे ही हम सबको भी यही सोचना चाहिए कि हमारा जो कुछ भी है वो भगवान की संपत्ति है, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारा धन संपत्ति, जो भी है वो भगवान की संपत्ति है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जो कुछ भी है वो हमारा है। जैसे आज सुबह बुक लॉन्चिंग हो रहा था तो हम धन निकालने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो तो हमारा धन है, हम कैसे कृष्ण की सेवा में लगा दें। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान की सेवा के लिए है। खास तौर से हमें अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना है, लेकिन मन हमारा संसार की सेवा में लगा रहता है। भले ही हम रिट्रीट में आए हैं, लेकिन मन कहाँ है कि घर में ये काम पेंडिंग है, ये छोड़ के आए हैं, जाते ये काम करना है, ये करना है, बहुत दिन पेंडिंग हो गया। तो इस तरीके से हम हर चीज़ से सीख सकते हैं। तो वेदवती की कथा से हमने ये सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने मन को, अपने तन को, अपने जो भी हमारा धन है, उन सबको भगवान की सेवा में हम कैसे लगाएं। रघुकुल के एक राजा जो है वो जा रहे थे और उन्होंने
जबरदस्ती उनके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। रावण ने उनसे जबरदस्ती युद्ध करना शुरू कर दिया। कोई रीज़न नहीं था कि उनका राज्य उनको चाहिए या किसी से उनकी दुश्मनी थी, वो दुश्मनी निकालने के लिए कोई भी ऐसा कारण नहीं था। बस एक फन से, एक वीर रस को वो करने के लिए उन्होंने उसके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया और सबको मार डाला। कोई भी योद्धा नहीं बचा, केवल रघुकुल का जो राजा था वही बचा। तो इससे क्या हुआ, उनकी दया का स्तंभ गिरा। तो ऐसे एक एक करके उन्होंने चारों स्तंभों को गिराया। और चौथा स्तंभ जो है सत्य। रावण जो है वो झूठ बोलने में माहिर था। वो हम सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने धोखा देकर अपने सीता का हरण किया, है ना। तो ये सत्य का स्तंभ गिरा। तो चारों स्तंभ जो है रावण ने गिराए और तभी भगवान राम आए। और भगवान राम जब आए तो उनके साथ साथ उनके पार्षद भी आते हैं, जैसे कि लक्ष्मण जी। तो अनंत शेष जो हैं वो लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं, और जो भगवान की गदा है वो भरत जी बन के आते हैं, और जो भगवान का चक्र है वो शत्रुघ्न बन के आते हैं, है ना। अनंत शेष लक्ष्मण जी के रूप में, और भगवान की गदा जो है वो भरत जी के रूप में, और चक्र जो है वो शत्रुघ्न के रूप में। इस तरीके से भगवान अपने परिवार को ऐसे लेके आते हैं। तीनों ही, मतलब तीनों क्या, चार, भगवान राम तो विष्णु तत्व हैं ही, तो चारों ही विष्णु तत्व हैं, है ना। चारों विष्णु तत्व है, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे लक्ष्मण जी अनंत शेष हैं ही, वो गदा के रूप में आए और वो शत्रुघ्न के रूप में आए, यस चक्र के रूप में आए। तो ये सारे ही विष्णु तत्व हैं। तो हमने कई बार पढ़ा होगा विष्णु तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, गुरु तत्व, है ना, सारे तत्व हमने पढ़े हैं। जो गुरु तत्व हैं वो भी विष्णु, एक विष्णु तत्व का हिस्सा हैं, पार्ट हैं। गुरु तत्व भी विष्णु, तभी तो कहते हैं ना गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए कि गुरु तत्व भी जो है वो विष्णु तत्व का हिस्सा हैं। तो जो जो जीव तत्व को माया तत्व से बचाता है वो क्या है, वो गुरु तत्व है। गुरु तत्व क्या है, जो जीव तत्व को माया तत्व से बचा दूर करता है, जो जीव तत्व को माया तत्व से दूर करता है वो गुरु तत्व है। जैसे कि लक्ष्मण जी, जैसे कि बलराम जी, जैसे कि नित्यानंद जी। तो ये सब क्या है, जीव तत्व को माया तत्व से दूर करते हैं और विष्णु तत्व से के पास लेके जाते हैं। ये गुरु तत्व का काम है, माया तत्व से दूर करना और विष्णु तत्व के पास लेके जाना। तो लक्ष्मण जी ने अपने ये काम बहुत बखूबी, अपने ये कार्य को निभाया। कहते हैं कि सीता स्वयंवर के समय पे सीता मैया जयमाला लेके खड़ी थी, और क्योंकि सीता मैया शॉर्ट हाइट थी, छोटी थी, और भगवान राम जो थे वो थोड़े लंबे थे। और अब माला कैसे बनाए, आजकल का टाइम तो है नहीं कि वो उठा देते हैं और नीचे कर देते हैं, तो कई तरीके से जयमाला पहनाई जाती है, तो वो तो नहीं होता था। तो सीता मैया खड़ी हैं, अब दोनों खड़े हुए हैं, माला पहनाई कैसे जाए। और भगवान राम ये सोच रहे हैं कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं कैसे झुकूँ। और सीता मैया की जो बैंगल्स उन्होंने पहन रखी थी, जो चूड़ियाँ पहन रखी थी, उसमें भगवान राम का रिफ्लेक्शन आ रहा था, चेहरा दिख रहा था। तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि उनको दर्शन हो रहे हैं, सिर नीचे झुकाए हैं। पहले तो लड़कियां शर्माया भी करती थी, तो शर्मा शर्मा के भी दर्शन हो रहे हैं, तो और उनको क्या चाहिए, अब तो कोई लड़की शर्माती नहीं है। तो पहले तो शर्मा शर्मा के दर्शन हो रहे हैं, तो वो भी आराम से खड़ी हैं। उधर लक्ष्मण जी ये देख रहे हैं कि ऐसे होगा कैसे, कि माला पहनाई नहीं जाएगी तो विवाह होगा कैसे। तो इतने में लक्ष्मण जी आए, उन्होंने झट भगवान राम के चरणों में गिर गए। भैया आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, मैं आपके सिवा रह नहीं सकता। तो भगवान राम सोचने लगे कि ये क्या हो गया, लक्ष्मण को अचानक से नीचे मेरे चरणों पे क्यों गिर गया। तो झट से झुके और उन्होंने लक्ष्मण जी को उठाया, लक्ष्मण क्या हुआ। तो जैसे ही वो नीचे झुके तो सीता मैया ने उनको माला पहना दी। तो ये काम है लक्ष्मण का, ये काम है गुरु तत्व का, क्या, जीव तत्व को विष्णु तत्व से मिलाना, भक्त को भगवान से मिलाना, ये गुरु हमारे कार्य करते हैं। तो और लक्ष्मण जी क्या, 14 साल देखिए उनके साथ पूरी सेवा उन्होंने की,
14 साल साथ रहे, ना खाया ना पिया ना सोए, है ना, कहते हैं 14 साल पूरे लक्ष्मण जी सोए नहीं। और क्या किया उन्होंने, जब सीता हरण हुआ तो हिरण आया और भैया बोल के गए कि जाना नहीं है बाहर मैया को छोड़ के, लेकिन नहीं जा रहे हैं। उधर से आवाज़ आ रही है, लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि मैया अकेली रह जाएंगी, लेकिन मैया क्या कह रही है, तुम इसलिए नहीं जाना चाहते हो कि तुम मेरा भोग करना चाहते हो। इतनी बड़ी बात और इतनी गलत बात सुनना और फिर नहीं सुन पाए तो चल पड़े, भूल गए कि भैया ने ये भी कहा था कि छोड़ के नहीं जाना। और उधर जब भगवान राम से मिले तो भगवान राम गुस्सा करने लगे कि तुम छोड़ के कैसे आए सीता मैया को, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम छोड़ के नहीं आए। क्या करते, नहीं जाते तो सीता मैया की सुनते, गए तो भाई की सुनी, नहीं जाते तो भाभी की सुनते। तो अगर हम उस उनकी जगह पे होते तो क्या करते, भाई 14 साल हो गए इनकी सेवा करते करते, यहाँ जाता हूँ तो वो डांटती हैं, यहाँ जाता हूँ तो वो डांटते हैं, तो इससे तो मेरा सेवा करना बेकार है ना। तो ऐसा टाइम हमारे भक्ति जीवन में भी कभी कभी आता है, सबके जीवन में आता होगा कि कभी अकारण हमें डांट पड़ जाती है जिसमें हमारा कोई दोष नहीं होता, फिर भी हम कभी कभी, गुरु महाराज तो हमारे हैं नहीं ऐसे डांटने वाले, अगर होते तो हम सुधर चुके होते अब तक लेकिन फिर भी कभी मैं भी अपने जो जूनियर्स हैं उनको डांट देती हूँ, या फिर कोई भी किसी को डांट देता है, तो ऐसा समय आता है कि चाहे कभी हमारी गलती नहीं भी होती तो भी हम डांट खा लेते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, क्या फ़ायदा ऐसा क्लास में आने का, ऐसा वो करने का, इससे तो घर बैठो आराम से, ना किसी की चिक चिक ना कुछ ना सुनो, है ना, हम कब के छोड़ चुके होते हैं ऐसे में। लेकिन हमें ये सीखना है कि जब सेवा अंगीकार की है तो हमें किसी से कुछ भी सुनना पड़े हम सुन सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने ध्येय किसको बनाया है, सेवा को बनाया है। ये जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ ये मेरे ऊपर भी इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि मैं भी इसी तरह से हूँ, मैं भी सुन नहीं सकती हूँ किसी की। तो हम सबको ये रेक्टिफिकेशंस हैं जो हम भगवान राम की जीवनी से सीख सकते हैं कि हम अगर सेवा हमने अंगीकार की है तो सेवा में कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाएगी, और त्रुटि रहेगी तो जो व्यक्ति इस सेवा को बहुत अच्छे से कर सकता है वो हमें कभी कुछ कह भी सकता है कि आपने ये ऐसे। घर में जब हम अपने बेटी को या अपने बच्चे को कुछ भी, मान लीजिए कुकिंग सिखाई मैंने अपनी बेटी को, जितनी मैं परफेक्शन से कुकिंग कर सकती हूँ मेरी बेटी नहीं कर सकती, और जहाँ उसने गलती करी वहाँ मैंने शुरू हो गई उसके ऊपर, होता है ना ऐसा, तो क्या होता है डांट पड़ भी जाती है, लेकिन उसमें क्या है, अगर मैंने उसको बोला अगली बार वो याद रखेगी कि हाँ मेरे को मम्मी ने ये बताया था, अगली बार मैंने इसको करेक्ट करना है। तो जो भी हमें हमारे सीनियर्स सिखाते हैं उससे हमारा लाभ ही होता है ना। तो ये हमें इस कथा से सीखना है कि लक्ष्मण जी हमें क्या सिखाते थे, कि उनकी जीवनी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। और भरत महाराज, तो थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स लेने की कोशिश की कि कहाँ क्या हम सीख सकते हैं यहाँ से। भरत महाराज, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, वो भार वहते थे, भार वहन, कहते हैं भरत वहती भार वहती इति भरता। भरत क्या है, भार को वहन करते हैं, किसके भार को वहन किया, अयोध्या के भार को वहन किया, है ना, अयोध्या के भार को वहन किया भगवान राम की एब्सेंस में। अगर भगवान राम साथ में हैं, भगवान साथ में हैं, तो कोई भी भार हम वहन कर सकते हैं, लेकिन बिना भगवान के उस भार को वहन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन भरत महाराज ने केवल किस लिए, कि भगवान राम की आज्ञा थी, उस आज्ञा को पालन करने के लिए उन्होंने, हालांकि सब जानते हैं कि अयोध्या का राजपाट लेना या उसको भोगना ये उनका कोई ना ही उन्होंने भोगा, लेकिन एक आज्ञा के पालन के लिए उन्होंने अयोध्या का भार, इसलिए उनका भरत इसलिए कहा जाता है कि भार वहन किया, क्योंकि भगवान राम नहीं थे तो, लेकिन वो सेवा उनको करनी थी, वो भार के समान एक तरह से वहन कर रहे थे। अब बचे शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न, जैसा कि नाम से पता चलता है, जो शत्रु का नाश करता है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो उन्होंने कोई भी शत्रु का नाश नहीं किया, एक एक्सेप्ट
लावणासुर जो कि हम वहाँ जाते हैं ना, ध्रुव टीला, हाँ मधुवन ध्रुव टीला है ना वही, हाँ मधुवन में बस एक ही उन्होंने शत्रु का वध किया, लावणासुर का, उन्होंने बाकी किसी शत्रु का वध नहीं किया अगर हम हिस्ट्री देखें तो। लेकिन अगर हम उनके जीवन से सीखने का प्रयास करें तो उन्होंने बहुत बड़े शत्रु का वध किया। कौन से शत्रु का? अहंकार का, है ना। भरत जी हमेशा दास बन के रहे, हमेशा सेवक बन के रहे। किसके सेवक बन के? शत्रुघ्न जी हमेशा सेवक बन के रहे। किसके सेवक बन के रहे? भरत के सेवक बन के रहे, है ना। भरत के सर्वेंट, भरत कौन थे? सर्वेंट ऑफ गॉड। शत्रुघ्न कौन थे? सर्वेंट ऑफ गॉड। ये दोनों में अंतर था। भगवान की सेवा करना बहुत आसान है, लेकिन भगवान के भक्त की सेवा करना बहुत मुश्किल है। क्यों? बीच में अहंकार आता है, अहंकार बीच में दीवार खड़ी कर देता है कि मैं कैसे इसकी सेवा कर सकता हूँ, मैं कोई इतना छोटा हूँ, है ना, मैं भी तो भक्ति करता हूँ। 16 माला करनी बहुत आसान है, अब उपवास करना बहुत आसान है, लेकिन भक्त की सेवा करना बहुत कठिन है। तभी तो बहुत से लोग गुरु अंगीकार नहीं करते हैं। किस लिए नहीं करते हैं? कि हम बंध जाएंगे, हम किसी के अंडर हो जाएंगे, है ना, किसी के अंडर हो जाएंगे, तो इसलिए गुरु को अंगीकार नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु से झुकना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से शत्रुघ्न जी बहुत ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमारे जो ये काम क्रोध, सुबह हम राधिका माता जी कह रही थी कि ये हमारे अनर्थास हैं, काम क्रोध और लोभ, है ना, ये हमारे अनर्थास हैं और ये नरक के द्वार कहे जाते हैं। लेकिन सिर्फ काम क्रोध लोभ ठीक है, नरक के द्वार होंगे, इसके अलावा जो हमारे पांचों छठों छियों जो विकार हैं, ये सारे के सारे नरक के द्वार हैं। अहंकार क्या है? अहंकार हमें जो है अगले जीवन में आने के लिए बंधित करता है। अहंकार की वजह से ही हमारा दूसरा जन्म होता है, क्योंकि आप देखिए अहंकार एक्चुअल देखा जाए तो क्या है अहंकार? हमारे तीन शरीर हैं, हम सब जानते हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, है ना, मन, भूमि, जलवायु, अग्नि और आकाश, ये हमारा स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। यानी कि अहंकार ने हमारे कारण शरीर यानी कि हमारी आत्मा की कवरिंग है, अहंकार हमारी आत्मा की कवरिंग है, अहंकार ने हमारी आत्मा को कवर कर रखा है। जब तक हमारे अहंकार से हमारी आत्मा ढकी रहेगी तब तक हम बार बार आते रहेंगे, है ना, तब हम बार बार आते रहेंगे। तो कितना बड़ा रोल है अहंकार का हमारे बार बार इस भौतिक जगत। हम सपने देखते हैं हम गोलोक में जाएं, गोलोक प्राप्त करें, या हम इस भौतिक जगत से छूट जाएं, तो इस सपनों को अगर क्या करने संपूर्ण करना है तो अहंकार को त्यागना होगा। लेकिन कैसे त्यागे? छूटता ही नहीं है। अहम इतनी जल्दी हमारे अंदर आ जाता है कि हम सोचते रह जाते हैं कि हर काम में हम ये सोचते हैं कि जब तक मेरा नाम ना आए तब तक वो काम करने का कोई लाभ नहीं है। पता चलना चाहिए हमारे सीनियर्स को, गुरुजनों को, आचार्यों को, इवन घर में भी अगर चार बच्चे हैं, एक बच्चे ने काम किया तो मम्मी को ज़रूर बताएगा कि मैंने ये किया, है ना, मैंने ये किया। क्योंकि जब तक मैं नहीं आएगा तब तक काम करने का कोई लाभ है नहीं, पता तो चला नहीं। कहीं अगर हम देते भी हैं कुछ, शादी पे अगर हम सगन डालते हैं तो ऊपर नाम लिख के देते हैं ताकि मेरा पता तो चलना चाहिए ना कि मैंने किया क्या उसके साथ, है ना। तो मैं शब्द जो है ना ये हमारे साथ साथ चलता है। तो ये बहुत मुश्किल है इसको हटाना, कि कैसे हम हटाएं। हम सब जानते हैं दो तरह के अहंकार हैं, मिथ्या अहंकार और शुद्ध अहंकार, है ना। मिथ्या अहंकार क्या है? हैं, मैं शरीर हूँ, है ना, मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, तो ये मिथ्या अहंकार है। लेकिन शुद्ध अहंकार क्या है?
मैं भगवान का दास हूँ, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। तो जब हम अपने आप को भगवान का दास मान लेते हैं तो वो अहंकार हमें होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। होता है कोई? याद रहता है हमें कि मैं भगवान का सेवक हूँ? थोड़ा टाइम रिट्रीट में आके, क्लास में आके, तो थोड़ी देर के लिए याद कोई दिला देता है तो याद आ जाता है, अदरवाइज याद ही नहीं रहता कि मैं भगवान का सेवक हूँ। याद यही रहता है कि मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा ये काम है, ये सब हमें याद रहती, कभी नहीं भूलता, लेकिन मैं भगवान का सेवक हूँ ये हमें कभी याद नहीं आता। सबसे बड़ी हमारे जीवन की यही एक दुर्गति है कि हम ये सब याद नहीं करते, इसी वजह से हम परेशान रहते हैं। पूरा भक्ति में आके भी हम इन चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं। तो कैसे छोड़ें इस अहंकार को, इसके लिए मैंने थोड़ा सा सोचा इसके बारे में कि क्या क्या हम कर सकते हैं, इस अहंकार को त्याग करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने से किसी बड़े को मानकर और उसकी शरण में जब हम छोटे बनकर रहेंगे तो हमारा अहंकार थोड़ा कम हो सकता है, है ना। जैसे एक बच्चे का माँ के आगे इतना कोई अहंकार नहीं होता, उसको पता है मुझे नहीं आता, जितना मेरी माँ को आता है उतना मुझे नहीं आता, तो क्यों, मैंने माँ की शरण ली तो मैं छोटी बन के रही तो मेरा अहंकार समाप्त। तो इसलिए अगर बड़ा किसी को मानकर और उसकी शरण में हम जाएं, गुरु की शरण में हम खास तौर से जाएं, तो हमारा अहंकार कम हो सकता है। तो अगर हम, लेकिन ये होगा तब जब हम इस विकार से परेशान होंगे तो, है ना, इस विकार से परेशान होंगे तो। एक्चुअल समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम इस विकार से परेशान ही नहीं हैं, हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये अहंकार हमारे अंदर है। हमें दूसरे के अंदर तो अहंकार दिखता है, अपने अंदर नहीं दिखता, है ना, अपने अंदर नहीं दिखता। तो ये होगा तब जब हम पहले अपने विकारों को खोजेंगे, अपने विकारों को खोजेंगे। लेकिन हम खोजेंगे कैसे, वो कबीरदास जी का वो निंदक नियरे राखी, कबीरदास जी का है क्या, निंदक नियरे राखियो, हाँ है ना, कबीरदास जी का है ना, यस यस यस। तो लेकिन ठीक है, दोहा है, सब कुछ है, हम जानते भी हैं, सुनने में पढ़ने में अच्छा भी लगता है कि निंदक को पास में रखना चाहिए, जो हमारी निंदा करे उसको पास में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है? जो हमें अप्रिशिएट करता है, जो हमें अच्छा बताता है, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, जो हमें बुरा बताता है हम उसके पास बैठना भी नहीं चाहते। इसके पास तो बैठेंगे तो ये उल्टी सीधी बातें करेगा, इसके पास बैठना ही नहीं है, है ना। तो क्या करें, कुछ वे आउट दिखता है? मुझे तो कोई वे आउट नहीं दिखता, आपको दिखता है क्या कि कैसे इस अहंकार, क्योंकि अहंकार ही पुनर्जन्म का एक लॉजिक है, एक उसी की वजह से ही हम बार 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 आते हैं और पूर्ण रूप से गुरु की शरण में भी नहीं। ठीक है, हमने गुरु की शरणागति तो स्वीकार कर ली, दिखाने को हमने तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, सब कुछ कर लिया, दूर दूर से हम भक्त दिखने लगे, बहुत अच्छे भक्त हैं, लोग हमें प्रणाम करने लगे, लेकिन क्या सच में हमारे अंदर हम इंटरनली भक्त बन पाए, है ना। ये हमें सोचना होगा कि इंटरनली भी हम भक्त बन पाएं, इसके लिए हम क्या करें, है ना, क्या करें। तो ये रिट्रीट इसलिए होती है कि ताकि हमें अपने जो गलतियां हैं, जो विकार हैं, उनको हम बाहर निकालें। तो सबसे पहले तो एक टिप ये है कि हमें अपनी मिस्टेक्स को खुद देखना होगा, खुद ऑब्जर्व करना होगा। जब तक हम खुद नहीं करेंगे दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर हम ये चाहते हैं कि हम शुद्ध भक्त बने तो हमें अपनी मिस्टेक्स को खुद देखना होगा, अपने कमियों को खुद देखना होगा और उन कमियों को अपने सीनियर से शेयर करना होगा। ये एक सबसे बड़ा टिप है, अपने कमियों को खुद देखना और उसको अपने सीनियर से डिस्कस करना कि मेरे अंदर ना ये कमी है कि मैं कभी कभी भक्तों की निंदा कर लेती हूँ, है ना। ये कमी शायद सब में होगी, है ना, लेकिन हमें अगर हम इसको ऑब्जर्व करके अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे, कहते हैं ना किसी को बताने से, जो चीज़ हम किसी को बताते हैं वो
कम होती है। तभी जो धनी लोग होते हैं अपने धन के बारे में किसी को बताते नहीं हैं कि मेरे पास इतना धन है, क्योंकि किसी को बताने से वो चीज़ कम होती है। भक्त लोग अपनी भक्ति को किसी को बताते नहीं हैं कि भक्ति उनकी कम ना हो जाए। तो जो चीज़ हम किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वो कम होती है। तो अगर हम अपने विकारों को दूसरों को बताएंगे तो वो विकार हमारे कम होंगे, क्योंकि हम अपने अहंकार को नीचे रख के अपने विकार को बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा दिल चाहिए ये बताने के लिए कि मेरे अंदर ये विकार है कि मैं कभी कभी भक्तों की निंदा कर लेती हूँ। कौन है जो नहीं करता? कभी नहीं की? मत जी, कोई ऐसा है जो भक्तों की निंदा नहीं करता? कोई भी नहीं है, है ना, हर कोई करता है। लेकिन किसी ने अपने मेंटर से, किसी अपने सीनियर से शेयर किया? किया, बस ये जिसने कर लिया वो जीत गया इस जंग को। सच में कह रही हूं, जिसने शेयर कर लिया वो इस जंग को जीत लिया, क्योंकि उसने अपने अंदर ये ऑब्जर्व कर लिया कि मेरे अंदर ये कमी है। जब बीमारी जब डायग्नोज हो जाती है ना, तो उसकी ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक वो डायग्नोस नहीं हुई। डायग्नोस हो गई कि मेरे अंदर ये कमी है कि मैं कभी कभी भक्तों की निंदा कर लेती हूँ, और मैंने अपने सीनियर से या गुरु महाराज से या किसी से भी ये बात डिस्कस कर ली, तो वो ज़रूर हमें उसका कोई ना कोई वे आउट बताएंगे। तो वे आउट ना, वो ना भी बताएं तो कम से कम मेरे अंदर इतना अहंकार तो कम हुआ कि मैंने अपनी कमी को दूसरे से डिस्कस किया, शेयर किया, है ना। तो ये सबसे पहला टिप है कि कैसे हम अपने अहंकार को कम कर सकते हैं। और दूसरा टिप है कि कोई भी अगर हम सेवा करें उसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें, है ना, जो कि हम सब करते हैं। हम सब करते हैं, जो भी सेवा करते हैं हमारी इच्छा होती है कि कम से कम गुरु महाराज को ये पता तो चले कि हमने ये काम किया, हमने इतने भक्त बनाए, हमने ये सेवा की, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये भक्त बनाए, या ये मैंने आज रिट्रीट पे ये सेवा की, कुछ भी कोई भी हो, हम सब ये कोशिश करते हैं, है ना। तो जब क्रेडिट लेने की इच्छा रहेगी तो हमारी शुद्ध भक्ति कहाँ रहेगी? नहीं रहेगी। तो अगर हम अपने अहंकार को थोड़ा कम करना चाहते हैं, रियली कम करना चाहते हैं, सच में कम करना चाहते हैं, दिखाने के लिए नहीं, सच में अगर हम कम करना चाहते हैं, तो हमें क्रेडिट लेने की इच्छा को कम करना पड़ेगा, बल्कि क्रेडिट देने को पास ऑन करना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने नहीं, इन्होंने किया, इन्होंने नहीं, उन्होंने किया, पास ऑन। सिर्फ मुंह से बोलने से ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद हम बोल देते हैं, लेकिन क्या हम सच में उनको ग्लोरीज देते हैं? गुरु श्रील प्रभुपाद जो थे कि उन्होंने कभी भी इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया, लेकिन कभी प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि इस्कॉन मैंने बनाया। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, अगर प्रभुपाद लीलामृत पढ़ें तो क्या बोलते हैं प्रभुपाद? ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसे बोलते हैं। कुछ नहीं, उन्होंने कभी क्रेडिट खुद नहीं लिया, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अगर दो क्लासेस लेते हैं तो गुरु महाराज को पता चलना चाहिए कि महाराज हम ये दो क्लासेस लेते हैं। मैं तो कम से कम ऐसा जरूर चाहती हूँ कि एक एक बात मैं महाराज को बताती हूँ, महाराज मेरी ये क्लास, मेरी वो क्लास, मेरी वो क्लास, गाने गाती रहती हूँ मैं तो, है ना। तो इससे हमारा अहंकार कैसे, मैं भी कोशिश करूँगी, आप सब भी कोशिश करिए, मिलजुल के इस लड़ाई को हम लड़ेंगे तो ज़रूर जीत जाएंगे, है ना। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए। और तीसरा टिप जो है वो ये है कि हमें विनयी बनना चाहिए, हम्बल बनना चाहिए। और हमें तो ये चीज़ विरासत में मिली है, है ना, हम सबको ये चीज़ विरासत में मिली है कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, तो 27वें दिन मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई। ओनली आफ्टर 27 डेज मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई। तो फादर इन लॉ की डेथ हुई तो मुझे इतना महसूस नहीं हुआ, तो मदर इन लॉ की डेथ हुई तो मुझे बहुत फील हुआ कि एकदम से दोनों जीव घर में रह रहे हैं और दोनों इकट्ठे चले गए। तो मैं हमेशा अपनी मदर इन लॉ से प्रार्थना यही करती थी कि माँ मेरे को ना ये चीज़ विरासत में देके जाना, कि जैसे आप पिताजी के पीछे पीछे चले गए हो ना,
तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी अपने पति के साथ साथ चली जाऊँ या ऐसा कुछ विरासत में देख के जाना। तो ये विरासत हमें लेनी चाहिए, हम हक से अपनी विरासत के लिए तो हम कोर्ट में केस भी कर देते हैं। अब अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता तो क्या करते हैं, कोर्ट में केस भी कर देते हैं। तो हमें तो हम्बलनेस जो है, विनम्रता जो है, गुरु महाराज से विरासत में मिली है। गुरु महाराज की हर चीज़ पे हमारा राइट है, अधिकार है, हम छीन भी सकते हैं उनसे, है ना। तो उनको हम कभी, हमने किसी से भी महाराज से कभी रिक्वेस्ट करके बैठ के कभी प्रेम से ये पूछा कि महाराज आप इतने हम्बल कैसे हैं, आप इतने विनम्र कैसे हैं, क्या 40 साल 50 साल की उनके भक्ति जीवन में उनको भी ये सब कुछ देखना पड़ा होगा जो हम देख रहे हैं, है ना। लेकिन उनको शायद उन हमसे भी ज़्यादा देखना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हम्बलनेस को कभी नहीं छोड़ा, है ना। तो ये सब कुछ हमें सीखना है, हम सब इस मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रभु जी ने क्लास लेने को बोला और मुझे बताया भी नहीं कि आपकी क्लास रखी है, तो मैं सोच रही थी कि क्या क्लास रखूं, लूं, क्या बोलूं। तो मुझे लगा कि सच में हमें एक सबको मिल के ये सब कार्य करने की आवश्यकता है कि हम सब अपने जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम्बलनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे ये हम्बलनेस आएगी कैसे, कैसे आएगी, हम अगर निम्न से निम्न सेवा करेंगे। सबसे ये चौथा टिप क्या है, हम निम्न सेवा करेंगे। गुरु महाराज बताते हैं अक्सर कि वो कहते थे कि जब वो इस्कॉन में आए थे तो उनको टॉयलेट साफ करने की सेवा दी गई थी, है ना। मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगी, लेकिन मेरे प्रभु जी कुछ कुछ इस तरीके के हैं। हम लोग एक बार अमृतसर गए और वहाँ पर हमारे रिलेटिव्स हैं, उनकी हमारी फैमिली में कोई डेथ हो गई थी, लेकिन वो हमारी हाफ फैमिली सिख फैमिली है। तो हम उनके घर कुछ खाना नहीं चाहते थे क्योंकि नॉनवेज वगैरह भी बनता है उनके, हम उनके यहाँ खाना नहीं चाहते थे। तो हम अमृतसर इस्कॉन में पहले गए, वहाँ हमने स्नान किया और प्रसाद पाया। तो मेरे प्रभु जी स्नान करने के लिए गए बाथरूम में तो बहुत देर लगा दी। तो मैंने कहा आपने तो इतनी देर स्नान करने में लगा दी है। कह मैं उसके बाद, मैं पहले भी बाथरूम में गई थी और बाद में भी बाथरूम में गई। जब दोबारा बाथरूम में गई तो बाथरूम का नक्शा ही बदला हुआ था, उन्होंने पूरा वॉशरूम इतने अच्छे से साफ कर दिया, जबकि पता नहीं था कि हमने फिर कभी, हम उसके अब इस बात को हो गए 6-7 साल, हम उसके बाद कभी ना हमारा उनके साथ कोई जाना ना आना, ना हम कभी पहले गए ना कभी बाद में गए, लेकिन पूरा वॉशरूम पूरे अच्छे से क्लीन बैठे हैं। मैंने सोचा बैठे नहीं हैं। तो पूरा वॉशरूम उन्होंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। वो नहीं जानते थे कि वो इस्कॉन जो मतलब वहाँ के जो प्रभु जी हैं जिनका वो रूम था, वो कभी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी करेंगे या नहीं करेंगे, या ध्यान भी देंगे या नहीं देंगे, उनको नहीं पता था। लेकिन पूरा वॉशरूम उन्होंने इतने अच्छे से चमका के बाहर आए कि पता नहीं प्रभु जी को टाइम भी मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, इस काम के लिए वो सेवा में लगे रहते हैं। चल हमारे पास तो टाइम था तो मैं ये काम करने लग गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि मेरी बुद्धि इतने काम क्यों नहीं करती, मैं ये सेवा क्यों नहीं कर सकती, लेकिन वो कर सकते हैं। अभी हम मायापुर गए तो मायापुर में उन्होंने उनको नारियल पानी पीने का शौक़ है, लेकिन कहीं उन्होंने नारियल पानी नहीं पिया। और ये कहने लगे कि मैं तो ये सोचता था कि 50 रुपये का नारियल, हर जगह जहाँ जाओ कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर मंदिर में वो बोलते हैं कि सेवा करो कंस्ट्रक्शन हो रही है। मुझे लगता है मैं 50 रुपये का नारियल पानी पीऊँगा, इससे तो 50 रुपये मंदिर में एक्स्ट्रा दे आऊँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये भाव हमारे अंदर आने चाहिए, है ना। कैसे हम अपनी सेवा को, मेरे अंदर भी नहीं आते, मैं सीखती हूँ उनसे, मेरे अंदर बिल्कुल नहीं आते। तो ये हम हर व्यक्ति से सीख सकते हैं। कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है जो हमें कुछ सिखा ना सकता हो। हम हर व्यक्ति हमें सिखा सकता है, लेकिन हमें सीखने की नज़र, हमारा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, हम ये सोच सकें कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कैसे हमें भगवान राम के जो पार्षद हैं उन्होंने हमें क्या क्या सिखाया, और अहंकार जो है मुख्य तौर से उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो कौन से टिप्स हमने आज डिस्कस किए, कौन बताएगा? पहला टिप क्या था? छोटे बनना।
है ना, अपने बड़ों से छोटे बनना, उनके किसी के अंडर रह के काम करना, और दूसरा है क्रेडिट ना लेना, कोई भी सेवा का क्रेडिट ना लेना है, अपनी कमियों को देखना, अपने अनर्थों को देखना, और उनको अपने मेंटर से, अपने सीनियर से, गुरुजनों से डिस्कस करना कि कैसे हम, इससे क्या होगा, डिस्कस करने से भले ही कोई हल निकले या ना निकले, कम से कम हमें अपनी कमियों को देखने की आदत हो जाएगी, है ना, और हम्बलनेस जो कि हमें विरासत में मिली है, और निम्न से निम्न सेवा करना। हम ऊंची ऊंची से क्लास तो यहाँ बैठ के लेने में बड़ा अच्छा लगता है, सब मुझे देख रहे हैं, है ना, और मेरे को हार डाला जा रहा है, सब मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन बर्तन धोएंगे तो जाके सेवा होगी, वो तो हम करना नहीं चाहते ना, मैं तो कर ही नहीं सकती। तो ये इन सेवाओं को करना बहुत सुंदर है, वॉशरूम साफ करना, है ना, बर्तनों को धोना, कैसे करें हम ये सब कुछ। तो आज हम ठान लेते हैं कि हम एक दूसरे को बताएंगे, है ना, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसमें कर सकते हैं ना, इसमें हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं करती हूँ और आप नहीं करते, या आप करते हो मैं नहीं करती, हम सब नहीं करते, हम ये मान के चलते हैं हम सब ये काम नहीं करते हैं, है ना, हम सब ये नहीं करते हैं, तो कैसे करेंगे हम एक दूसरे को। जब हम बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, तो पढ़ाई करते थे, जैसे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, आजकल तो बच्चे लेट नाइट्स पढ़ते हैं, हमारे टाइम पे अर्ली मॉर्निंग्स में उठा करते थे, सुबह उठ के पढ़ाई करते थे, तो अच्छा तू उठेगी ना, मेरे को भी उठा देना, है ना, एक दूसरे को उठा देते थे, एक दूसरे के घर में सो जाते थे, चलो इकट्ठे बैठ के पढ़ लिया करेंगे, एक को नींद आई दूसरे को हिला दिया, है ना। लेकिन थोड़ा सा समय, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है समय भी चेंज होता जा रहा है, तो आज भी भक्तों का काम क्या है, कलयुग को रोकना, कलयुग की गति को थामना, है ना, ये भक्तों का काम है। तो हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं भक्ति जीवन में आगे बढ़ाने की, है ना, भक्ति जीवन में आगे बढ़ाने की। तो कहाँ हम, कहाँ चूक हो रही है, हम अपनी चूक को खुद ऑब्जर्व करें, और अगर दूसरा कोई ऑब्जर्व करके हमें बता रहा है तो हम उसका, उसके ऊपर नाराज़ ना हों, हम उसके ऊपर नाराज़ ना हों, और उसको अपना वेलविशर माने कि उसने हमें ये बताया ताकि मैं इसमें सुधार कर पाए। हरे कृष्णा।